नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट माइन लाइफ में। भगवत मान एक बार फिर से दूल्हा बनने जा रहे। जी हाँ, मशहूर कॉमेडियन से राजनीति के सरताज बने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरी शादी करने जा रहे हैं। पंजाब के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत 7 जुलाई यानी कि आज डॉक्टर गुरप्रीत के कौर से शादी करेंगे, उनके साथ साथ फेरे लेंगे। इस बीच हम आपको बताने ये जा रहे हैं कि भगवंत मान की पहली पत्नी और बच्चों के बारे में मौजूदा समय में कहाँ है और क्या करते हैं, क्योंकि उनकी पहले की जिंदगी के बारे में बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। गौरतलब है कि 48 साल भगवंत मान की पहली पत्नी का नाम इंद्रजीत कौर है। साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया था। दरअसल भगवंत मान ने उस समय राजनीति में कदम ही रखा था। चुनावी रैली से लेकर हर तरीके से भगवंत मान का साथ उनकी पत्नी यानी कि इंद्रप्रीत दिया करती थी, लेकिन जैसे जैसे भगवंत का राजनीति का सफर आगे बढ़ने लगा तो दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी। आलम यह रहा कि एक वक्त पर इंद्रप्रीत ने भगवंत मान के आगे यह शर्त रखी कि वह राजनीति छोड़कर उनका साथ विदेश चले, लेकिन भगवंत मान ने परिवार को छोड़ना मुनासिब समझा, जिसकी वजह से भगवंत मान और उनकी पहली पत्नी का तलाक हो गया था। तो वहीं पर भगवंत मान के तलाक के बाद उनकी पहली पत्नी और 2 बच्चे अमेरिका चले गए। भगवंत मान की पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर से एक बेटा और एक बेटी है। हालांकि एक वाइफ से तलाक के बाद कई मौके पर भगवंत मान को अपने बच्चों के साथ देखा गया है। मौजूदा समय में भगवंत की पहली पत्नी और 2 बच्चे कैलिफोर्निया में रहा करते हैं। भगवंत मान ने इंद्रप्रीत कौर से शादी रचाई थी और फिर 2015 में जिस तरीके से हमने बताया कि उनका तलाक भी हो गया और अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हुए नजर भी आ रही है। बताते चले कि भगवंत मान की पत्नी ने एक न्यूज वेबसाइट से बातचीत करते हुए कहा था कि उन्होंने तलाक के बाद भी हमेशा भगवंत मान के लिए दुआएं मांगी है और आगे भी मांगती रहेगी। उनकी पत्नी इंद्रप्रीत कौर ने कहा कि उन्होंने कभी भी भगवंत मान के लिए किसी तरह की गलत बात नहीं की। साथ ही हम भले शारीरिक तौर पर दूर है लेकिन उनके लिए मेरी दुआएं कभी भी कम नहीं हुई। और यहाँ पर भगवंत मान ने कहा था कि उनके बच्चे अब उनसे फोन पर ही बात नहीं करते, मैंने अपने और परिवार को समय नहीं दिया, इस वजह से मेरा परिवार बिखर गया। और यूथ कॉमेडियन फेस्टिवल और इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में भाग लिया भगवंत मान ने, जिसे पंजाब विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज पटियाला में उधम सिंह कॉलेज और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने अलग अलग स्वर्ण पदक भी जीते हैं। लेकिन अब साल 2011 के शुरुआती दिनों में भगवंत मान पंजाब पीपल्स ऑफ इंडिया में शामिल हो गए। भगवंत मान ने लहरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा जिसमें वह हार गए। उसके बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हो गया, अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े और उसके बाद फिर सीएम बन गए। और अभी हम देख ही रहे कि किस तरीके से भगवंत मान लगातार खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार के लोगों की यहाँ पर जो रजामंदी है वो भी देखने को मिल रही है। तो यही देखना होगा कि आज शादी है, अब शादी के बंधन में बंधेंगे तो क्या अपनी इस नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करते नजर आएंगे। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।